नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको कोई सी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। हेलो, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। ये हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट फट जाएगा। मैंने अपने बेटे से बोला, मेरे बेटे ने जल्दी से गाड़ी निकाली और हम लोग गाज़ियाबाद के एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, चेकअप करने के बाद मुझे कैथ लैब में उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं वहाँ पर 3 दिन तक एडमिट रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ दिस 3 डेज मेरा काफ़ी सारे चेकअप हुए, काफ़ी सारे टेस्ट हुए और उसके बाद वो मुझे बार बार ये कहा उन्होंने कि आप अपना एंजियोग्राफी कराइए ताकि कोई प्रॉब्लम है देखा जाए। मैंने उससे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की किताब पढ़ी थी, एक हार्ट माफिया, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि नहीं यार, एंजियोग्राफी अगर मैंने कराई तो मेरे अंदर स्टंट डलना पक्का है, स्टंट तो डल जाएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके और मेरी फैमिली ने रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने स्टंट डलाने को, एंजियोग्राफी करने को मना किया और हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज कराकर 3 दिन बाद घर वापस। बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी अच्छे रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, काफ़ी सारे टेस्ट कराए। मेरे फ्रेंड्स कुछ US में थे, उनको रिपोर्ट भेजी, उन्होंने भी वहाँ कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, स्टंट डलेगा। सब ने ये बोला कि स्टंट डलेगा, लेकिन सच बताऊँ तो मैं स्टंट डलवा के अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाकर और मैं एक हार्ट पेशेंट की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे हार्ट पेशेंट देखे थे कि स्टंट डलवाने के बाद उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नई होती रहती थी और वो बहुत इनएक्टिव रहते थे और बिल्कुल परेशान रहते थे। तो मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने स्टंट डलवाने को तो बिल्कुल नहीं सोचा। फिर मैंने डॉक्टर विश्वरूप की वीडियो देखना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया और उसको देखकर मैंने उनकी वो डाइट निकाली और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं इनकी डाइट को फॉलो करूँगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर विश्वरूप पे पूरा ट्रस्ट कर लिया था। ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी था, मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ये इससे शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। उस पीरियड में मैंने, जब मैं वीडियो देख रहा था, उस पीरियड में मैंने एक और वीडियो देखी जो US के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन का था। उनकी जो मैंने वीडियो देखी उसमें भी ये था कि वो हार्ट पेशेंट थे और उनको ब्लॉकेज था, तो उन्होंने 2 स्टंट उन्होंने डलवाए थे, लेकिन बाद में उन्हें इस डाइट के बारे में पता चला और जब उन्होंने डाइट को फॉलो किया, उसको अडॉप्ट किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए और बाद में जाकर उन्होंने वो दोनों स्टंट निकलवा दिए। तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि यस, इसमें जान है, ये काम करेगी। मैंने करीब 6 जनवरी 2020 से मैंने उनकी डाइट को लेना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर ही मुझको काफ़ी आराम मिला, मेरा एंजाइना पेन काफ़ी कम हो गया था और 1 हफ्ते बाद भगवान का नाम लेकर और डॉक्टर विश्वरूप को पे ट्रस्ट करके मैंने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। एक दिन में मैं 16-18 टैबलेट्स लेता था सुबह शाम मिलाकर, वो सारी दवाइयाँ मैंने बंद कर दी, एक भी टैबलेट नहीं लेता था और मैंने टोटल DIP डाइट पे रहना शुरू किया। 1 महीने बाद ही मैं और मेरी फैमिली ये देखकर दंग रह गए और हम आश्चर्यचकित रह गए कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आई वॉज वेरी एक्टिव विद इन ए मंथ और मेरी जो है और मेरी हेल्थ भी ठीक होने लगी थी। मैंने मानस की कहानी सुनी। मानस की कहानी में मानस ने बताया कि वो एक रेपुटेड हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल का नाम था यशोदा हॉस्पिटल। मानस ने यह भी बताया कि किसी डॉक्टर ने प्रेशराइज किया कि एंजियोग्राम करा लो, जबकि असली बात तो यह है कि ना केवल एंजियोग्राम कराने के लिए प्रेशराइज किया, फर्दर ये भी बोला कि स्टंट तो लगा ही देंगे, वो तो लगाना ज़रूरी है। अब वो डॉक्टर कौन थे मानस ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर परमजीत सिंह। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर परमजीत सिंह डिनाई करते हैं कि नहीं वो डॉक्टर वो नहीं थे, तो मैं अपने अगले वीडियो में उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो मैं पब्लिकली शोकेस कर दूंगा। और अब मैं डॉक्टर परमजीत की पोल और नहीं खोलूंगा। अब चलते हैं दूसरी बात पे, वो है लाइफ सेविंग। आपने कहानी में सुना कि मानस ने DIP डाइट यूज़ करके ना केवल बीमारी से पीछा छुड़ाया बल्कि दवाइयों से भी मुक्ति पा ली। तो फ्रेंड्स आपको सारी सच्चाई पता लगी गई है। मानस ने बताया कि उनको DIP डाइट लेने से कितना फ़ायदा हुआ है और जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी है उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि इनकी डाइट लेने से और इनका जो प्लान है वो लेने से किस तरह से इनको फ़ायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको भी DIP डाइट के बारे में मैं बता दूंगा। तो अगले वीडियो में फ्रेंड्स DIP डाइट के बारे में ही बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।